भोपाल से खबर है, जनजातीय गौरव दिवस का समापन आज किया जाएगा। मंडला में सीएम शिवराज करेंगे इस कार्यक्रम का समापन। राष्ट्रीय आपके ग्राम योजना के तहत 25 वाहनों को रवाना भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 148 बैगा परिवारों को पट्टा वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो आज जनजातीय गौरव दिवस का समापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। राशन आपके ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सदफ हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। सदफ, कार्यक्रम का समापन आज किया जाएगा, क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, राजधानी भोपाल से शुरू हुए जनजातीय गौरव दिवस का आज समापन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आज आदिवासियों को कई सौगातें यहां पर दी जाएंगी। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासियों को घर घर राशन पहुँचाने की जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, राशन आपके द्वार, यहाँ पर मुख्यमंत्री उन गाड़ियों को भी यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे जो आदिवासियों के घर तक राशन पहुँचाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो अधिकार सौंपे जाएंगे और जो पट्टे सौंपे जाएंगे, आज पट्टों का भी यहां पर वितरण आदिवासियों को किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आज आदिवासियों के लिए सौगातों का दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले पहुंचकर आदिवासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत हुई थी राजधानी भोपाल से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन आज इस कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन आदिवासियों को करोड़ों रुपए की यहां पर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जी सदफ, हम देख रहे हैं कि जनजातियों को और आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और इससे पहले उपचुनाव जो हुए उसमें भी आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश यहां पर की गई सरकार की ओर से, और यही वजह है कि तमाम जो सौगातें हैं वो सरकार की ओर से दी जा रही हैं और आने वाले समय भी ऐसे ही सौगातें जो है वो सरकार की ओर से जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने देखा है जो आदिवासी वोट बैंक होता है कांग्रेस की तरफ झुका हुआ रहता है, और यही वजह है कि जो बीजेपी है अब पूरी जो तैयारी है मिशन 2023 में जुट गई है, और जो एक बड़ा तबका है 23% आबादी है आदिवासियों की, उनको साधने में यहाँ पर बीजेपी अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश में पहली बार मनाया गया था जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र शामिल हुए थे, और आदिवासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगातों का देना ये बताता है कि जो बीजेपी है आदिवासियों को अपनी तरफ झुकाव करने के लिए जुट गई है। और 2023 की अगर हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव होना है, और ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस यही है कि वो अलग अलग जो समाज के अलग अलग जो वोट बैंक है उनको साध सके, क्योंकि हमने देखा है आदिवासियों का इससे पहले कांग्रेस की तरफ झुकाव देखा गया है, और अब आदिवासियों को ये कई सौगातें, वन अधिकार का जो पट्टा दिया जाना है, इसके अलावा आज कई कार्यक्रम होंगे, स्व सहायता समूह को जो महिलाएं हैं उनको भी यहां पर 5000 और इसका खासा असर भी देखने को मिला था जो सौगातें दी गई थी, क्योंकि पृथ्वीपुर में भी उपचुनाव के दौरान तमाम जनसभाएं की गई और पृथ्वीपुर में तमाम जनसभाओं के जरिए तमाम सौगातें आदिवासियों को दी गई, और इसका खासा असर भी देखने को मिला, और साथ ही साथ सीट भी जीतती हुई यहां पर जो सरकार है वो जीतती हुई यहां दिखाई दी थी, और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी भी सरकार पूरी तरीके से करती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका लाभ भी शायद सरकार को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के जो चुनाव हैं उसकी तैयारियां करते हुए यहां पर बीजेपी दिख रही है, और जाहिर तौर पर इसका लाभ ज़रूर बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जब आदिवासियों को उनके अधिकार देने की यहां पर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई की बात हो, नल जल योजना पहुँचाने की बात हो, तमाम जो योजनाएँ हैं, घर घर राशन पहुँचाने का काम हो या फिर उन्हें ऋण देने का काम हो, ये तमाम जो योजनाएँ हैं ये अगर मुख्यमंत्री आदिवासियों को देते हैं तो ज़रूर आदिवासी जो तबका है
यहाँ पर बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जिस तरह से आपने पृथ्वीपुर का जिक्र किया, ये सीट जरूर बीजेपी की रही हो, लेकिन जब यहाँ पर ताबड़तोड़ माफ कीजिएगा, ये सीट कांग्रेस की जरूर रही है, लेकिन अब उपचुनाव में हमने देखा है कि ये सीट बीजेपी के पाले में चली गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार किया था, लोगों को जो जन कल्याणकारी योजना है उन तक पहुंचाने का काम किया था, और कह सकते हैं उसी में सफल होते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा नहीं कि बीजेपी के खाते में पृथ्वीपुर की सीट रही हो, लेकिन उपचुनाव में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, एक बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर बदलाव हुआ है, जहाँ पर बीजेपी ने पृथ्वीपुर में अपनी पैंठ जमा ली है और अब वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। तो जरूर ये कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं जनता को प्रभावित करती हैं और आदिवासियों को भी यहाँ पर प्रभावित करती हुई नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सदफ, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आज आपको ये बता दें कि कार्यक्रम का जो समापन है वो किया जाएगा और तमाम जो सौगातें हैं वो भी जनजातीय लोगों को दी जाएंगी।